नमस्कार, ई क्रॉप डॉक्टर की टीम आज है उस्मानपुर गांव में, जिसमें आज हम यहां इको फ्रेंडली फार्मिंग या पर्यावरण अनुकूल खेती की बात करेंगे। पर्यावरण अनुकूल खेती की जब हम बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हमें रासायनिक खादों से अपनी निर्भरता कम करनी होगी। अब बात ये उठता है कि जब रासायनिक खादों से हम अपनी निर्भरता कम करें तो हमारे पास उपाय क्या बचता है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे पंचगव्य के बारे में। पंचगव्य, जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। पंचगव्य का मतलब है पांच तत्वों से मिलकर बनने वाला एक पदार्थ। इसमें मुख्य रूप से गौवंश से प्राप्त होने वाले पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है पंचगव्य, तो आइए जानते हैं हमारे किसान भाइयों के साथ और हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर शंभू प्रसाद के साथ इसे बनाने की विधि। आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल प्रोजेक्ट के तहत जैविक खेती के बारे में क्या क्या उपयोगी खाद या तरल पदार्थ हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। और आज की तिथि में तरल पदार्थ के रूप में पंचगव्य जैविक खेती के लिए काफ़ी ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। और इसको बनाने का तरीका हम आज जो हमारे किसान बंधु हैं उनको मैं लर्निंग बाय डूइंग के तहत बताने जा रहा हूं। और उसके लिए सारी सामग्री यहां मौजूद है। पंचगव्य की जब हम बात करते हैं तो पंचगव्य का मतलब होता है पांच गव्य, मतलब गव्य गाय के द्वारा जो पदार्थ हमें मिलता है उसमें पांच तरह के पदार्थों का उपयोग करते हुए हम पंचगव्य बनाते हैं। उसमें पहला है गाय का गोबर, दूसरा है गाय का गौमूत्र, तीसरा है गाय का दही, चौथा है गाय का दूध और पांचवा है गाय का घी। तो इस तरह से पांच चीज़ों के माध्यम से पांच चीज़ों को मिला करके हम पंचगव्य बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे इसकी प्रक्रिया हम आप लोगों को आज यहाँ बताने जा रहे हैं, जिसको सीख करके आप अपने लिए भी पंचगव्य बना सकते हैं और अपने फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा आप अपनी फसल की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं और खेतों में जो कीट नियंत्रण है या रोग नियंत्रण है उसके लिए भी इसका आप उपयोग कर सकते हैं और तरल खाद के रूप में इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले आप देखें कि इसको बनाने की क्या प्रक्रिया है। उसके लिए सबसे पहले हम 5 किलोग्राम ताज़ा गोबर लेते हैं और उसमें 0.5 किलोग्राम गाय का घी मिलाएंगे। तो ये गाय का घी है और दोनों हाथ से मिलाइए। पांच किलो ताजा गोबर में 0.5 किलो गाय का घी हमने मिला दिया। अब ये जो मिक्सचर है इसको 4 दिनों के लिए हम छोड़ देंगे और प्रत्येक दिन कम से कम दिन में 3 बार इसी तरह से दोनों हाथों से इसको मिलाएंगे 4 दिनों तक। अब इसका दूसरा कंपोनेंट है जो तरल पदार्थ में गोबर और घी के मिक्सचर में मिलाना है, उसमें सबसे पहले चौड़े मुँह वाला एक प्लास्टिक का बर्तन लेंगे जिसकी क्षमता 25 से 30 लीटर पानी को जमा करने की हो। तो ये देख रहे हैं चौड़े मुंह का एक बर्तन है ना, प्लास्टिक का। और इसमें अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले गौमूत्र डालेंगे 3 लीटर। तो ये गौमूत्र है और गौमूत्र भी ताज़ा होना चाहिए। इसमें 3 लीटर गौमूत्र डाल दिए। अब इसमें 2 लीटर गाय का दूध डालना है। इसके बाद इसमें 2 किलो गाय का दही। और इसके साथ ही इसमें 3 लीटर डालना है नारियल, जो कच्चा नारियल होता है उसके डाब का पानी। ये नारियल का कच्चा फल है जिसको आप लोग अपनी देहाती भाषा में डाब बोलते हैं, नारियल का डाब। और इसके पानी का उपयोग भी पंचगव्य में किया जाता है। इसके नारियल का जो इस डाब का जो पानी होता है वो काफ़ी पौष्टिक होता है। उसमें काइनेटिन नाम का एक पोषक तत्व होता है जो पौधे में हरे रंग का जो कारक है जो जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं,
तो उसकी मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए इसको पंचगव्य में हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसका उपयोग हम छिड़काव के रूप में भी करेंगे तो इसकी मात्रा जब उसमें बढ़ेगी तो पौधे पर जो है हरितिमा का ज़्यादा असर दिखेगा। अब ये 3 लीटर नारियल का जो पानी हमने निकाला है, अब इसको इसमें मिलाएंगे। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे पका हुआ केले का पल्प, है ना, गूदा डालेंगे, और इसमें लगभग 1 दर्जन केले का गूदा इसमें डालना है, और इसको अच्छी तरह से दबाते हुए गूदा को और उसमें मिला देना है। दोनों हाथों से मिलाइए, उसको मिलाइए, छोटे छोटे डाल देंगे 250 ग्राम। ये गुड़ जो है ये, अच्छा ठीक, अब ये आप देखिए कि ये 250 ग्राम गुड़ है, जिसको आप लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं, और इसको इसमें इसलिए डालते हैं कि जो हमने जो मिक्सर डाला है, ये जितना भी चीज़ डाला है इसमें, दही, दूध और केला, उसके डिकम्पोजिशन में बैक्टीरिया का भी योगदान होता है, तो ये जो गुड़ है उसके लिए भोजन का काम करता है। शुरू में जो भी बैक्टीरिया है उसको हम अगर क्रियाशील बनाए रखेंगे तो उसके लिए कुछ ताज़ा भोजन देना पड़ेगा ना, तो ये गुड़ उसी के लिए दिया जाता है, ताकि उसका जो डिकम्पोजिशन है उसकी क्रिया बहुत तेज़ी से हो। उसके लिए हम 250 ग्राम गुड़ को, शक्कर को इसमें मिलाएंगे। और इसमें एक सावधानी आपको बरतनी है कि चूंकि गुड़ आप जो शक्कर यूज करते हैं तो कभी कभी उसमें चींटी भी रहता है या कीड़े रहते हैं, तो उसको पहले आप थोड़ा सा पानी में डाल के उसको भिंगो दीजिए और छान लीजिए, ताकि उसमें किसी भी तरह का अवशिष्ट पदार्थ उसके अंदर ना जाए। अब जितना चीज़ हमने इसमें डाला है इसको अच्छे तरह से दोनों हाथों से मिला देना है, बढ़िया से, अच्छे से। तो एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग हमने पहले गाय का गोबर और घी था, 4 दिनों तक दोनों को अलग अलग रखेंगे। गोबर और गाय का घी जो मिला करके एक पात्र में हमने रखा है, उसको 4 दिनों तक अलग जो है हम रखेंगे, और इसको भी 4 दिनों के लिए अलग रखेंगे। 5वां दिन फिर क्या करेंगे कि दोनों को हम मिला देंगे, इसी में डाल देंगे और उसको अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे एक बड़ी लकड़ी छड़ी से, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। 5वां दिन हम दोनों को मिक्स कर देंगे और फिर उसको छोड़ देंगे हम 15 दिनों तक। कहाँ से रखेंगे, ठंडे जगह पर जहाँ धूप नहीं आती हो, और इसके मुंह को एक सूती के कपड़े से ढक देंगे या बांध देंगे, और प्रत्येक दिन 15 दिनों तक जो रखेंगे तो प्रत्येक दिन हमको 3 बार सुबह, दोपहर, शाम छड़ी से इसको घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में अच्छी तरह से मिला देना है, ताकि ऊपर और नीचे का हिस्सा अच्छी तरह से मिल जाए। तो 4 और 15, 19 दिन, 15 दिनों के बाद, मतलब मिलाने, दोनों के मिक्सर को मिलाने के 15 दिनों के बाद हम फिर सूती वाली कपड़े से की मदद से इसको हम छान के अलग कर लेंगे। जो छना हुआ पदार्थ हमारा मिलेगा, जो घोल मिलेगा, वो हमारा हो जाएगा पंचगव्य। अब उस पंचगव्य का हम छिड़काव करेंगे। कैसे छिड़काव करेंगे, उसके लिए भी तरीका है। छिड़काव अगर आपको करना है तो 3% यानी 1 लीटर पानी में 30 ml, 30 मिलीलीटर पंचगव्य को आप 1 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करेंगे। फसल की बढ़वाड़ के हिसाब से आपको पानी की मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर फसल आपका छोटा है तो 100 से 150 लीटर में ही आपके पूरे खेतों में, 1 एकड़ में छिड़काव हो जाएगा। अगर फसल ज़्यादा घना है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि पंचगव्य को अगर छिड़काव के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 30 मिलीलीटर पंचगव्य को मिला करके छिड़काव करेंगे, और कम से कम आपको
दो छिड़काव करने चाहिए, एक फूल लगने से पहले और एक फूल लगने के बाद, सभी पौधे सभी फसल में। और इसका जब आप छिड़काव करेंगे तो इसके क्या क्या फायदे होंगे, इसमें बहुत सारा पोषक तत्व है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तो है ही, इसके अलावे बहुत से लाखों की संख्या में बैक्टीरिया है, लाखों की संख्या में उपयोगी फंगस है, एक्टिनोमाइसिटीज है, जो आपकी पौधे पर एक आवरण बना लेता है और बाहरी जो भी आघात होने वाले हैं रोगों के कीटों के, उस आघात से आपके फसल को बचाता है। यानी आप जिस फसल में इसका छिड़काव करते हैं उसमें कीड़े मकोड़े और रोगों का प्रकोप नहीं के बराबर होगा, क्योंकि उसको या तो भगाने का काम करता है या उसको मारने का काम करता है। तो ज़्यादातर इसका उपयोग हम लोग करते हैं भगाने के लिए, क्योंकि आपका फसल निश्चित रूप से रोग भगाने के लिए एक तरह से रिपेलेंट का काम करता है। आपने अगर कर दिया है तो इसके प्रभाव से आपके फसल में कीड़े मकोड़े का प्रभाव कम दिखेगा, वहाँ अटैक कम होगा, इसलिए कि इसमें अगर पौधे में ताकत होगा तो कीड़ा रोग अपने भागेगा। हाँ, ताकत भी होती है और दूसरी बात कि इसमें कुछ स्मेल भी है जिसके गंध से भी कीड़े मकोड़े भागते हैं, तो इस तरह से। और इसके अलावे बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं, सूक्ष्म तत्व भी हैं, जिसके वजह से आपका पौधा काफ़ी विकसित होता है और आपकी आपके पौधे में जो फल लगेंगे वो भी काफ़ी पुष्ट होगा, आपके दाने अच्छे होंगे और उत्पादन अच्छा होगा। एक प्रकार का सर टॉनिक हो गया। हाँ, तरल खाद इसीलिए बोलते हैं कि जैविक खेती में आप, चूंकि अभी बाजार में बहुत सारे ऐसे रासायनिक दवा मिल रहे हैं जो आपके पौधे को लाभ कम पहुंचाते हैं, हानि पहुंचा रहे हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा घाटा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है और आपका पर्यावरण भी दूषित हो रहा है उसके वजह से। आपके लिए हितैषी जो जीव हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो सारे मर भी जाते हैं और आपका पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। तो उन चीज़ों से बचाव के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने घरों में कम से कम खर्च में उपयोगी खादों को बना करके आप अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं और पर्यावरण को भी संरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं।